नमस्ते। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा कि जो हमारा घर होता है उसका एंट्रेंस काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं घर काफ़ी बड़ा होता है। तो इस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को हम गौमुख आर्किटेक्चर बोलते हैं, या इसको गौमुख वास्तु भी बोला जाता है। तो इसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम सिंहामुख आर्किटेक्चर बोलते हैं। एंट्रेंस इज़ वेरी बिग लाइक दिस, बट वेन यू गो इट बिकम नैरो एंड नैरो एंड नैरो। तो जो हमारे मंदिर वगैरह जो होते हैं वो हमेशा सिंहामुख वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। और एंट्रेंस इज़ वेरी बिग, बट वेन यू गो नैरो एंड नैरो नैरो एंड फाइनली छोटा सा गर्भगृह होगा। बट जो पैलेसेस वगैरह होते हैं उसका एंट्रेंस जो है वो छोटा होना चाहिए, और जैसे ही ग्रेजुअली आप उसके अंदर जाए वो काफ़ी बड़ा और आलीशान होना चाहिए। तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है वो उसका शेप पैंटागन है, लेकिन वो गौमुख वास्तु के हिसाब से बनाया जा रहा है। थैंक यू।